Hello everyone. This video is an introduction to trigonometry. Now this word trigonometry is derived from three Greek words. First of all is your tri, gon and metry. First we have tri, tri matlab three. Gon means sides and metron means measure. So basically jo trigonometry is nothing but the study of relationship between the angles and sides of a triangle. And to be more specific, we will be dealing with right triangles. Or right triangles kaun se hote, in which one of the angles is right, that is 90 degrees. Now in this triangle, angle A is 90 degrees. So this is a right triangle. Or is triangle mein jo aapka AB hai, that is known as base. AC is your perpendicular and BC is your hypotenuse. And we also know that jo right triangle hote hain, usme aapki Pythagoras theorem bhi applicable hoti hai. And what does that say? Ki jo sum of square of base and perpendicular is equal to the square of hypotenuse. That is AB square plus AC square is equal to BC square. So trigonometry mein hum pura angles aur sides ki baat karenge and we'll talk about ratios. So what is the need to study all this? To jo sabse badi application hai aapke trigonometry ki, wo kya hai? We can determine height and distance. कोई भी ये छोटी हाइट की बात नहीं कर रही हूँ, इवन लार्जेस्ट डिस्टेंसेस. सपोज अगर आपको सन, मून और एनी अदर प्लैनेट के बीच में अगर आपको डिस्टेंस डिटरमाइन करना है, तो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. को स्टार्स और प्लैनेट्स तो फिर भी बहुत दूर की चीज़ है. अगर आपको डेली लाइफ में कोई एग्जाम्पल चाहिए, सपोज कोई एक टॉल बिल्डिंग है या कोई टावर है एंड यू वॉन्ट टू डिटरमाइन इट्स हाइट, तो ऐसा तो नहीं करोगे कि मेजरिंग स्केल या मेजरिंग टेप लेके आप उस बिल्डिंग पे चढ़ जाओगे एंड फिर देन यू विल कीप रिपीटिंग योर स्केल या फिर टेप और फिर उसकी हाइट आप डिटरमाइन करोगे. दिस दैट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल. पॉसिबल तो है बट दैट्स अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस. सपोज हमारे पास कोई टॉल बिल्डिंग है, नाउ इट इज वेरी इजी टू डिटरमाइन जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है वो आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हो. नाउ दिस इज अ राइट ट्राइंगल. अगर मेरे को ये एंगल पता चल जाता है, सो ट्रिग्नोमेट्री कैन कम हैंडी इन दिस सिचुएशन. So that was a brief introduction. Now let me introduce you to these six trigonometric ratios. First we have your sine. We read this as sine of angle A. Abhi jo ratios hai wo with respect to angle A main define kar rahi hu yahan pe. We can also define them based on angle C also. So yahan pe main kya keh sakti hu, sine of angle A is equal to side opposite to angle A divided by the hypotenuse. So this is the ratio of these two sides. जो एंगल ए के अपोजिट साइड है वो कौन सी होगी, बी सी, एंड हाइपोटेन्यूज इज योर ए सी. दिस इज योर साइन ऑफ एंगल ए. नाउ जो सेकंड आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो क्या है, कोसाइन ऑफ एंगल ए, और वी कैन से कॉस ए. वो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ साइड ऑफ एडजेसेंट, जो साइड आपकी एडजेसेंट होती है एंगल ए के, डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज. सो यहाँ पे जो एंगल ए है उसकी एडजेसेंट साइड क्या है, ए बी, और जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज योर ए सी. सो जो इन दोनों साइड्स का जो रेशियो होगा दैट विल बी कोसाइन ऑफ एंगल ए और जस्ट कॉस ए. जो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपका वो क्या है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, और वी कैन से टेन ए. इट इज द रेशियो ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए. तो अपोजिट कौन सी साइड है आपके एंगल ए के, इट इज योर बी सी, और जो एडजेसेंट साइड है वो है ए बी. सो बी सी अपॉन ए बी इज योर टेंजेंट ए. जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपका वो क्या है, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, और वी कैन से कोसेक ए. सो व्हाट इज कोसेक ए, इट इज जस्ट इनवर्स, द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, नॉट इनवर्स, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ ए, दैट इज हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय साइड अपोजिट टू एंगल ए. सो हियर वी हैव हाइपोटेन्यूज इक्वल टू ए सी एंड साइड अपोजिट टू एंगल ए इज बी सी. सो ए सी अपॉन बी सी ये जो रेशियो होगा इसको हम कहेंगे कोसेक ए फॉर दिस ट्राइंगल. The fifth trigonometric ratio is secant of angle A, which is equal to reciprocal of cos A. So 1 upon cos A is sec A. इसको हम sec A भी बोल सकते हैं. It is equal to hypotenuse divided by side adjacent to angle A. So we can say it is AC upon AB for this triangle. जो last trigonometric ratio है हमारा वो क्या है, cotangent of angle A. So it is nothing but reciprocal of tan A. So 1 upon 10 is cot A, which is defined as side or adjacent to angle A divided by the side opposite to angle A. So adjacent side हमारी angle A की क्या है, AB, and opposite क्या है, BC. So it is the ratio of AB upon BC.
इसमें एक चीज आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो, वो क्या है कि टेंजेंट ए इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ साइन ए एंड कॉस ए। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। सी, टेंजेंट ए इन दिस ट्रायंगल विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। नाउ डिवाइड दीज टू बाई ए सी, दैट इज द हाइपोटेन्यूज। सो बी सी अपॉन ए सी इज नथिंग बट योर साइन ऑफ एंगल ए, एंड ए बी अपॉन ए सी इज योर कॉस ए। तो ऐसे हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं और प्रूव भी कर सकते हैं। सिमिलरली कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए, और वो भी हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। और एक और चीज जो आपको इसमें याद रखनी है वो क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है दे आर जस्ट रेशियोज। वो जो साइड और जो ट्रायंगल के अगर बदल जाती है तो रेशियोज वॉन्ट चेंज। सपोज साइन 30 अगर मैं इस ट्रायंगल में निकालती हूँ एंड इस ट्रायंगल दोनों में एक छोटा एक बड़ा है, फिर भी वो सेम ही आएगा। साइन 30 वुड रिमेन सेम, इट डजेंट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल्स। जब तक कि आपका एंगल सेम रहता है तो रेशियो विल रिमेन सेम। नाउ आफ्टर नोइंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको क्या करना है, एक टेबल गिवन है आपकी क्लास 10 की बुक है, इट इज ऑन पेज 185। यहाँ पे आपके रेशियोज गिवन है और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है उसके साथ उसकी वैल्यू क्या क्या आएगी वो दिया हुआ है। यू हैव टू बाय हार्ट दिस टेबल एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू रीड दिस टेबल लाइक दिस। साइन ऑफ एंगल जीरो, साइन जीरो इज जीरो, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 डिग्री इज √3/2 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली जो बाकी रेशियोज है उनके लिए भी आपको ऐसे ही याद करना है इसको पूरा, कॉस 0 इज 1 एंड लाइक दैट। ये वाली वीडियो को अब हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है यू कैन पोस्ट मी इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।